हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा का है। मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं बात करूंगा नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे सिंपल ट्रिक से याद रखेंगे उसके बारे में बात करूंगा। तो जो ऑक्साइड के नेचर हो सकते हैं वो बेसिक हो सकते हैं, और जनरली जो बेसिक नेचर होता है वो मेटल के ऑक्साइड का होता है। सिमिलरली एसिडिक हो सकते हैं, और जनरली जो एसिडिक नेचर होता है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड का होता है। और तीसरा जो है वो एम्फोटेरिक हो सकता है, और जनरली ये जो नेचर है वो मेटलॉइड का होगा। डैट मीन्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी उसमें एम्फोटेरिक नेचर होगा, और कुछ मेटल भी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और एक न्यूट्रल टाइप के भी ऑक्साइड होंगे जो कि जनरली नॉन मेटल के होते हैं। नाउ जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको ही ट्रिक्स से याद रखेंगे। इसलिए हमने इसके नीचे ट्रिक्स लिखा है, इसके नीचे ट्रिक्स लिखा है। इन दोनों को याद कर लिया तो बाकी जितने भी ऑक्साइड बचे अगर वो नॉन मेटल के हो गए तो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे, और मेटल के हो गए तो बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, यू ऑलरेडी नो कि अगर बेसिक ऑक्साइड होगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। अगर वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे तो किससे रिएक्ट करेंगे, बेस से। अगर वो एम्फोटेरिक हो गया तो वो फिर दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी, और जो न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे तो वो ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से रिएक्ट करेंगे। क्रॉस करने का मतलब ना तो ये एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं ना ही बेस से। तो मैं अब आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ईजिली याद रख सकते हो एंड न्यूट्रल ऑक्साइड को ईजिली याद रख सकते हो। ये दोनों याद हो गया तो रेस्ट जितने भी बचेंगे, अगर उसमें नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा और मेटल है तो बेसिक होगा। एम्फोटेरिक को कैसे याद रखेंगे उसके लिए सिंपल सा मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ। ये है ZN, एल्युमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड और टिन। तो इसको सिंपल मेरे निमोनिक से याद रख सकते हो। ZN से हमने बना लिया जनाबे, और इसका जेड ले लिया और N। AL से बना लिया आली, B और CR को क्लब कर दिया तो बेकार, GA से गाया, PB से पंजाबी, SN से सॉन्ग। तो सिंपल इस निमोनिक से याद रख सकते हो, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये टोटल 7 एलिमेंट हो गए। इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे। नाउ जो मेटलॉइड्स हैं उसको आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, मेटल की भी नॉन मेटल की भी। तो इसको सिंपल मेरे ट्रिक से याद रख सकते हो, बी से हो गया बालिका, SI से सीता, GE से गीता, AS से ऐश्वर्या, SB से सब, TE से टेली, PO से फोन, AT से लाते। तो सिंपल मेरा निमोनिक्स क्या हो गया, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, ये 4 गर्ल्स हो गए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टेलीफोन लाते। तो इनके भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, एंड जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये सब मेटल हैं, मेटल के ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक है तो यही 7 मेटल हो सकते हैं। तो एम्फोटेरिक को हमने याद रखने का आपको तरीका बता दिया, तो ये बहुत ईजी हो गया। न्यूट्रल को सिंपल मैंने ट्रिक दिया था, CNN करके एक न्यूज चैनल आता है, तो CNN से हम कैसे कनेक्ट करें, एक बार C के साथ मैंने O लगाया तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक बार N के साथ O लगाया तो NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, और दो बार N है तो इनके साथ एक बार O लगाया तो N2O। ये 3 ऑक्साइड ही पूरे पीरियोडिक टेबल में है जो न्यूट्रल हैं, डैट मीन्स ना तो ये एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम न्यूट्रल को याद रख लेंगे क्योंकि ये लिमिटेड हैं, एम्फोटेरिक को याद रख लेंगे क्योंकि ये भी लिमिटेड है। अब जितना भी आपको ऑक्साइड बचा अगर उसमें नॉन मेटल है
तो वो एसिडिक होगा, और अगर मेटल है तो फिर वो बेसिक होंगे। नॉन मेटल कितने हैं, तो ये भी आपको मालूम है कि जो नॉन मेटल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका पी ब्लॉक में हैं, सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में नॉन मेटल हैं। लाइक अगर सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है एट्सेट्रा, तो ये सब नॉन मेटल अगर आपको दिख गया तो इनके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। और मेटल तो आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, पूरे एस ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वाले एंड सम ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो कैन बिहेव लाइक मेटल। तो आपको न्यूट्रल याद रखना है, एम्फोटेरिक याद रखना है, बाकी जो भी ऑक्साइड बचा उसमें नॉन मेटल होगा तो एसिडिक, मेटल होगा तो बेसिक। नाउ अब मैं ज्ञान की बात करूंगा और डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान की बात में ये है कि मैंने सम ऑफ द ऑक्साइड लिए हैं और उसके नेचर को हमें बताना है, तो यू नो जनाबे से याद रखे थे, तो ये कैसे होंगे नेचर में, एम्फोटेरिक, क्योंकि जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग से, यहाँ पे भी एलुमिनियम में आली वर्ड में आ गया ये, तो ये भी ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। नाउ N2O3 ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गए, और तो इसलिए ये कैसे रहेंगे, एसिडिक। NO तो वो CNNO वाले ट्रिक्स में NO आ गया, तो ये कैसे हैं, न्यूट्रल। अगेन N2O तो ये भी क्या हो जाएंगे उसी ट्रिक से, न्यूट्रल। CO ये भी उसी ट्रिक से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल में बाय द वे तीन है ही, जो इजी है याद रखना ट्रिक से, CO2 नॉन मेटल के ऑक्साइड तो क्या लिख देंगे, एसिडिक। MgO मेटल के ऑक्साइड तो कैसे हो जाएंगे, बेसिक। लेड तो जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी PB, तो ये एम्फोटेरिक। और यहीं पे ध्यान देंगे, लेड का PbO यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाला होता PbO2 तो भी ये एम्फोटेरिक ही होता। वैसे ही टिन का +2 वाला है सॉन्ग, तो ये भी एम्फोटेरिक होंगे, और अगर +4 वाले होते SNO2 तो वो भी एम्फोटेरिक होते। तो आइदर SNO या SNO2 ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। क्लोरीन नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक। SO2 नॉन मेटल के तो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक। BE जनाबे आली ने बेकार BE तो ये एम्फोटेरिक। क्रोमियम +3 में होगा तो ही एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 में, इसलिए एम्फोटेरिक। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर को देख कर करके, ट्रिक्स को समझ कर करके आप जितने भी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।